नक्सलवादी हमला में सीआरपीएफ के जवान शहीद होते हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पे बीएसएफ का जवान खड़ा रहता है, चीन के बॉर्डर पे आईटीबीपी का जवान खड़ा रहता है, नेपाल के बॉर्डर पे एसएसबी का जवान खड़ा रहता है। इस देश के लोग जवान तो उसे कहते हैं, लेकिन इस देश की राजनीतिक पार्टियां उन्हें शहीद नहीं मानती है और शहीद का दर्जा नहीं देती है। भारतीय सेना नाम सुनते ही हमारा सीना 56 इंच का हो जाता है। इस देश में अनेकों राजनीतिक पार्टियां दावा करती है कि हमारे नेता का सीना 56 इंच का है, लेकिन अगर इस देश में किसी का सीना 56 इंच का है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय सेना का है। 14 फरवरी इस देश में नहीं पूरी दुनिया में वैलेंटाइन डे मनाया जाता है और अभी वैलेंटाइन वीक चालू है। शायद लोगों को यह भी नहीं पता है कि 14 फरवरी के ही दिन पिछले साल हमारे देश के 40 जवान शहीद हो गए थे पुलवामा अटैक में, और हम उन जवानों को भूल चुके हैं। राजनीतिक पार्टियां जातिवाद में बांट दी, धर्म में बांट दी इस देश को, और यहां तक कि जवानों को भी दो भाग में बांट दी, एक को सैनिक कहते हैं और एक को अर्धसैनिक बल कहते हैं। अगर सेना के जवान कहीं शहीद होते हैं तो उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाता है, लेकिन अर्धसैनिक बल के जवान अगर कहीं शहीद होते हैं तो इस देश की राजनीतिक पार्टियां उन्हें शहीद का दर्जा भी नहीं देती है। सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे नक्सलवादी हमला में, सीआरपीएफ के जवान शहीद होते हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पे बीएसएफ का जवान खड़ा रहता है, चीन के बॉर्डर पे आईटीबीपी का जवान खड़ा रहता है, नेपाल के बॉर्डर पे एसएसबी का जवान खड़ा रहता है। इस देश के लोग जवान तो उसे कहते हैं, लेकिन इस देश की राजनीतिक पार्टियां उन्हें शहीद नहीं मानती है और शहीद करते समय अपनी जान की बाजी आधा लगाते हैं या पूरा लगाते हैं। इस देश की राजनीतिक पार्टियां इस देश के जवानों को बलात्कारी कहती है, और कुछ राजनीतिक पार्टियां जब जवानों का नाम आता है तो जय हिंद वंदे मातरम कहती है, लेकिन जो जय हिंद वंदे मातरम और भारतीय सेना जिंदाबाद कहता है वो भी पिछले 7 साल से इस देश पर राज कर रहा है और अर्धसैनिक बल के जवानों को शहीद का दर्जा नहीं दे रहा है। हमें पेंशन नहीं दिया जाता है क्योंकि हम अर्धसैनिक बल हैं। हमें फैसिलिटी नहीं दी जाती है, यहां तक कि इस देश के लोगों को यह भी नहीं पता है कि हम जो खाना खाते हैं उसका पैसा जो है हमारे सैलरी से काट लिया जाता है, हम जो ड्रेस पहनते हैं उसका भी पैसा हमारे सैलरी से काटा जाता है। क्यों? क्योंकि हम अर्धसैनिक बल हैं। और न्यूज चैनल पे बैठ के जो है मुझे पता है 14 तारीख को बहुत से नेता पुलवामा अटैक को याद करेंगे ट्विटर पे, लेकिन अटैक के बाद उन नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं कि कितने ऐसे नेता हम जवानों के घर पे जाके हमारे दुख और सुख को बांटने की कोशिश किए हैं। हमें पता है इस देश के लोग बहुत जल्द जो है हर चीज भूल जाते हैं। हम जब सड़कों पे निकलते हैं तो कोई हमें जय हिंद भी नहीं कहता है, कोई हमें याद भी नहीं करता है, लेकिन अगर हम शहीद हो जाते हैं तो हमारे शहादत में सोशल मीडिया पे आंसुओं का सैलाब लेते हैं, इस देश की रक्षा के लिए, इस देश के लोगों की रक्षा के लिए। लेकिन हमें लोग अपनी खुशियों में नहीं शामिल करते हैं, अपने त्योहारों में नहीं शामिल करते हैं, सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे जय हिंद वंदे मातरम और भारतीय सेना जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। कितने लोग दिवाली के दिन पे किसी जवान के घर पे जाते हैं, क्या आपको पता है आप इस देश में सुरक्षित है क्योंकि एक जवान बॉर्डर पे देश की सुरक्षा कर रहा है। कितने लोग होली के दिन एक जवान के घर पे जाते हैं, कितने लोगों को पता है कि क्यों हुआ था और क्या उसका जांच रिपोर्ट आया है, किसी को नहीं पता है। हमारे शहादत पे इस देश में जबरदस्त राजनीति किया जाता है। छत्तीसगढ़ में 76 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए, आज तक पता नहीं चला कि वो शहीद क्यों हुए। पुलवामा हमला हुआ, आज तक पता नहीं चला कि हमारे जवान शहीद क्यों हुए, और हमें अर्धसैनिक बल कहा जाता है, और पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पे बीएसएफ के जवान फ्रंट लाइन वॉरियर कहलाते हैं, चीन के बॉर्डर पे आईटीबीपी के जवान फ्रंट लाइन वॉरियर कहलाते हैं, नेपाल के बॉर्डर पे एसएसबी के जवान फ्रंट लाइन वॉरियर कहलाते हैं। और नक्सलवादियों से लड़ने में सबसे अहम योगदान सीआरपीएफ का होता है, तो हमें शहीद का दर्जा इस देश की राजनीतिक पार्टियां क्यों नहीं देती है? क्या आप हमें शहीद का दर्जा दे दोगे तो हम आपसे पैसा मांगने जा रहे हैं या हमारा भत्ता बढ़ा दोगे? नहीं, हमें एक दर्जा चाहिए, हमें एक सम्मान चाहिए। कम से कम हम शहीद हो रहे हैं तो हमारी शहादत का मजाक मत बनाओ और हमें शहीद का दर्जा दे दो। हमें इस देश के लोगों से सिर्फ इतना ही उम्मीद है कि जहां भी भारतीय सेना के जवान को देखें
कम से कम एक बार जय हिंद जरूर कहें। और किसी भी बड़े त्योहार या छोटे त्योहार में हमारे परिवार वालों को समय जरूर दें, क्योंकि हम आपकी सुरक्षा के लिए बॉर्डर पे खड़े हैं। और इस देश के राजनीतिक पार्टी से सिर्फ और सिर्फ एक ही हम विनती करना चाहते हैं, हम कभी हड़ताल नहीं करते, हम अपना मांग मनवाने के लिए कोई आंदोलन नहीं। सैनिक बल के जवानों को सम्मान दिलाने के लिए मैं बना रहा हूँ। उम्मीद है कि अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो राजनीतिक पार्टियों के नेताओं तक हमारी बातों को पहुंचाएंगे, ताकि जो है अर्धसैनिक बल के जवानों को भी इस देश में सम्मान मिल सके। जय